good morning students well hope you all are fine today we are going to start our new chapter time unit 4 so before starting this chapter you must know the mm, some things that is about the time कि आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं डेज़ में कितने आवर्स होते हैं वीक्स में कितने डेज होते हैं तो ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में आपको ये आपको बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी ये चार्ट जो है आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है लिखना है यहाँ तक ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं वन आवर इक्वल्स टू सिक्सटी मिनट्स इट मीन्स एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स होते हैं और टू कन्वर्ट आवर्स इन टू मिनट्स जब भी हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाइड करना पड़ता है ठीक है काय से सिक्सटी से सिमिलरली सेकेंड आपको दिया हुआ है वन डे वन डे में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं तो इसमें भी यही कंडीशंस है टू कन्वर्ट डेज इन टू आवर्स जब हम डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है काय से मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी फोर से सिमिलरली वन वीक्स इक्वल्स टू सेवन डेज टू कन्वर्ट वीक्स इन टू डेज़ सेम हमें मल्टीप्लाई करना है सेवन से वन मंथ इक्वल्स टू थर्टी डेज हमें पता है जनरली हम थर्टी डेज लेते हैं थर्टी वन डेज़ भी होते हैं पर जनरली वी टेक थर्टी डेज है ना मंथ नॉर्मली हम थर्टी डेज ही बोलते हैं सो so, टू कन्वर्ट मंथ इन टू डेज़ मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मंथ बाय थर्टी हमें इसमें क्या करना है जब हम मंथ को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें थर्टी से मल्टीप्लीकेशन करना है वन ईयर इक्वल्स टू ट्वेल्व मंथ एक साल में बारह महीने होते हैं तो सिंपल है ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व से नाउ वन ईयर इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज लीप ईयर भी होता है कभी कभी तो थ्री सिक्सटी सिक्स डेज भी होते हैं इन अ सो नॉर्मली जनरली हम लेते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज ना अयर इसमें भी यही है कि जब कभी हम ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाइड द नंबर बाय थ्री सिक्सटी फाइव एंड वन ईयर इक्वल्स टू फिफ्टी टू वीक्स मतलब एक साल में कितने वीक्स होते हैं फिफ्टी टू वीक्स जनरली वी टेक फिफ्टी टू वीक्स अयर so to convert year into week we have to multiply the number by 52 this this is very important chart which was i was telling to you so you have to complete in your fair copy before starting the exercise you have to write this chart in your fair copy okay let's start exercise 4.1 okay so there are dash minutes in one hour वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं आपको अभी ही बताया कि वन आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स होते हैं देयर आर डैश आवर्स इन अ डे मतलब एक दिन में कितने डेज होते हैं देयर आर डैश आवर्स इन अ डे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर होते हैं दिस आई डन इन फेयर दिस आई डन इन द कॉपी ऑल्सो यू मस्ट सी नॉट आई एम नॉट हियर इन पेन सो यू मस्ट सी हियर ओके सो हियर आई पुट द आंसर ऑल्सो so like this you have to fill that fill up the blanks I am going to start the question number 2 find the number of minutes in each of the followings okay first wala hai 7 hours question bol raha hai ki हमें minutes में convert करना है hours को ठीक है seven hours है मैंने अभी क्या बताया जब hours को minute में convert करते हैं हमें multiplication करना होता है sixty से so one hour equals to sixty minutes सेवन इंटू सिक्सटी तो कितना मिलेगा हमको फोर हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स बी वन इज़ योर होमवर्क दैट वन इज़ ऑल्सो यू हैव टू डू विद द सेम मेथड विच आई हैव डन हेयर एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिक्स डेज वो कह रहा है सिक्स डेज में कितने आवर्स होते हैं हमें यह मालूम है कि वन डे इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर आवर्स होता है तो हमें कैसे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा नंबर को ट्वेंटी फोर से तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर आवर्स एज वी डू द मल्टीप्लीकेशन हेयर आई डिड फॉर यू यू गॉट द आंसर वन फोर्टी फोर आवर्स दैट वॉज योर आंसर आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन अगेन आई एम टेलिंग यू बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न दैट चार्ट ओके सो नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर हेयर इट इज फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच ऑफ द फॉलोविंग्स अब वो कह रहा है नंबर ऑफ डेज बताना है वीक्स में वो कह रहा है फोर वीक्स है हमने पता है कि वन वीक्स इक्वल्स टू होता है सेवन डेज आप सभी को पता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सेवन डेज होते हैं ना संडे मंडे ट्यूसडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ओके तो टोटल सेवन डेज हो जाते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड फोर वीक्स इट मींस फोर बाय सेवन फोर सेवन या ट्वेंटी एट डेज कितने डेज हो जाएंगे ट्वेंटी एट डेज नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डेट इज़ फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन ईच ऑफ द फॉलोविंग अब वो कह रहा ये month है ये मंथ है मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया था नॉर्मली हम वन मंथ में थर्टी डेज मानते हैं सो so हमें फ़ाइव को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थर्टी डेज से तो फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी से फाइव थ्रीजा फिफ्टीन एंड जीरो एज इट इज़ तो इट बिकम वन फिफ्टी डेज जब थर्टी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप फाइव से तो फाइव ज़ीरो जो ज़ीरो फाइव थ्री जो फिफ्टीन तो वन फिफ्टी डेज दिस वॉज यूर आंसर होप यू अंडरस्ट इट्स वेरी ईजी आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और ये ध्यान रखना है कि वीक्स में कितने डेज होते हैं मंथ में कितने डेज होते हैं वन डे में कितने आवर्स होते हैं दिस मच ओनली यू हैव टू रिमेंबर नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द नंबर ऑफ डेज in ईच ऑफ द फॉलोविंग्स ठीक है इसमें भी ईयर दिया हुआ है डेज बताना है मैंने अपन ने नॉर्मली पढ़ा है कि वन ईयर इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव डेज मैंने मल्टीप्लीकेशन किया वी गॉट द आंसर वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डेज ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ फाइंड द नंबर ऑफ मंथ अब इसमें नंबर ऑफ मंथ बताना है सेवन ईयर है सेवन ईयर में कितने मंथ होंगे हमें मालूम है भाई कि वन ईयर में ट्वेल्व मंथ होते हैं तो सेवन में कितने होंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे सेवन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व सो ट्वेल्व सेवनजा एट्टी फोर एट्टी फोर मंथ्स होंगे ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर एट फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स इन ईच ऑफ द फॉलोविंग्स अब वो कह रहा है भाई वीक्स बताओ फाइव ईयर में कितने वीक्स होंगे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कि वन ईयर में फिफ्टी टू वीक्स होते हैं तो हमें नंबर को कैसे मल्टीप्लाइड करना है फ़िफ्टी टू से तो फाइव मल्टीप्लाइड बाई फिफ़्टी टू फाइव टू जै टेन जीरो वन कैरी फाइव फाइव जैर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स टू सिक्सटी वीक्स हेयर वी फ़िनिश्ड एज एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन नाव स्टार्ट द एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट टू इज डिलीटेड फ्रॉम योर पोर्शन ओके स्टूडेंट्स हेयर लेटेस्ट प्रैक्टिस फोर पॉइंट थ्री हेयर बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई मस्ट टेल यू समथिंग फोर पॉइंट थ्री अबाउट द एम एंड पी एम ओके अबाउट द एम एंड पी एम्स यू ऑल नो वी आर अवर टाइम एट द मॉर्निंग और इवनिंग हम एम और पी एम में देखते हैं मॉर्निंग फ्रॉम एट द नाइट फ्रॉम ट्वेल्व ओ क्लॉक टू नून ट्वेल्व ओ क्लॉक हम एम बोलते हैं मतलब रात के बारह बजे के बाद सुबह बारह बजे तक हम एम में टाइम को देखते हैं ठीक है आफ्टर दैट वी कैन वी कैन सी द टाइम इन पी एम ठीक है वैसे ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है रेलवे क्लॉक जो होता है वो ट्वेंटी फोर आवर्स के अकॉर्डिंग चलता है इट मीन्स ट्वेल्व के बाद थर्टीन फोटीन फिफ्टीन काउंट होता है बट नॉर्मल क्लॉक वच वी आर यूजिंग एट अ होम वो हम यूज़ करते हैं वन टू ट्वेल्व ओनली मतलब कि जैसे ही रात के बारह बजते हैं तो फिर रात के एक बजने एक बजता है फिर दो बजते हैं फिर थ्री ओ क्लाक होता है फोर ओ क्लाक वो एम में काउंट होता है टिल द सो वी ऑल नो कि हम मॉर्निंग में क्या करते हैं ए एम यूज़ करते हैं और नून और इवनिंग टाइम में हम पी एम यूज़ करते हैं इट मीनस सुबह बारह बजे से रात के बारह बजे तक पी एम और रात के बारह से सुबह बारह बजे तक एम एम का जो एब्रीविएशन है वो आप देख लीजिए ए एम को हम क्या बोलते हैं एंटी मेरिडियन फुल फॉर्म्स का और पी एम इज कॉल्ड पोस्ट मेरिडियन ओके इट मींस आफ्टर नून ओके नून के बाद जो हम काउंट करते हैं सो वेल वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री सो हियर द क्वेश्चन आई राइट अस प्रैक्टिस फोर पॉइंट थ्री राइट टाइम यूजिंग ए एम और पी एम फॉर द फॉलोइंग अब लिखा हुआ है हाफ पास्ट फोर हाफ पास्ट मतलब हाफ मतलब कि थर्टी मिनट्स ओके हाफ पास्ट फोर मतलब ये वो ये कह रहा है कि ये जो एक क्लॉक है ठीक है ये ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन वन टू फोर फाइव एट टेन एलेवन वो कह रहा है ये जो फोर है फोर ओ क्लाक बज रहा है ठीक है उसने हाफ पास्ट कर लिया मतलब ये पूरा टोटल तो वन रेटोशन हो गया उसने हाफ़ पास्ट कर लिया मतलब चार बज के पूरे पूरे तीस मिनट हो चुके हैं है ना हाफ़ पास्ट हो गया अगर ये पूरा घूम के ट्वेल्व पर आता तो फुल पास्ट हो जाता मतलब पूरा एक आवर्स कंप्लीट हो जाता तो यहाँ से उसने यहाँ तक हाफ पास्ट किया तो क्या होगा फोर थर्टी इवनिंग है तो हम क्या लिखेंगे पी एम सिमिलरली अब है सेकेंड वाला ये वॉच जो मैंने बनाया ये एज अ रफ वर्क है आप फेयर कॉपी में नहीं करना इसे ठीक है ना था सेकेंड है क्वार्टर पास्ट टू मतलब कि क्वार्टर पास्ट अब देखो क्वार्टर क्या होता है मैंने ये बनाई वॉच ठीक नहीं बना है फिर भी आप देख लो ये वॉच बनाई सिक्स थ्री नाइन टेन अलेवन वन टू थ्री फोर सेवन एट अब आप ये देखना इसमें फोर क्वार्टर्स होते हैं ये तो दो क्वार्टर हो गए दो हाफ हो गए हैं न और इसको बीस से ऐसे कर देते हैं तो इसमें फोर क्वार्टर्स होते हैं पंद्रह पंद्रह मिनट के फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट्स के वन टू थ्री फोर ओके अब क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टर पास्ट टू इन द नाइट मतलब रात में टू का क्वार्टर पास्ट हुआ मतलब दो रहा है ठीक है ये आपका वो है दो रहा है ठीक है दो रहा है एक क्वार्टर पास्ट हुआ मतलब यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा टू फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट्स का होता है तो कितना बजेगा दो बज के पंद्रह मिनट क्योंकि एक क्वार्टर होता है फिफ्टीन मिनट्स का तो एक क्वार्टर पास्ट हुआ है क्वार्टर पास्ट टू किसको पास्ट किया है टू को मतलब दो बज के पंद्रह मिनट तो टू फिफ्टीन ए एम देट वॉज योर आंसर नाउ द थर्ड वन थ्री क्वार्टर पास्ट फाइव अब वो कह रहा है फाइव ध्यान से देखना इन द इवनिंग ये ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन टेन एलेवन वन टू फोर फाइव सेवन एट अब ध्यान से देखना वो कह रहा है थ्री क्वार्टर पास्ट फाइव अब फाइव ओ क्लाक हो रहा है ठीक है ये घड़ी में पाँच बज रहा है अब वो कह रहा है तीन क्वार्टर पास्ट हुए हैं तो मैं क्या पता है कि इसमें फोर क्वार्टर्स होते हैं है ना तो एक क्वार्टर ये पास्ट हुआ दूसरा ये पास्ट हुआ और तीसरा ये पास्ट हुआ यहाँ पहुँच गया मतलब ये जो बड़ा कांटा है घूमता हुआ नाइन पर पहुंच गया इट मीनस फाइव फिफ्टीन फिर फाइव थर्टी फिर फाइव फोर्टी फाइव पंद्रह पंद्रह मिनट के तीन क्वार्टर पास्ट हुए तो फाइव फोर्टी फाइव पी एम इन दिनिंग नाउ दिक्सथ वन टेन मिनट्स टू सिक्स इन द इवनिंग मतलब कि 6 बजने में दस मिनट तो कितना हो जाएगा फाइव फिफ्टी पी एम है ना टेन मिनट्स इसमें ऐड हो जाएगा तो सिक्स ओ क्लाक हो जाएगा तो वो कह रहा है टेन मिनट्स टू सिक्स इन द इवनिंग मतलब 6, 6 के लिए टेन मिनट्स अभी बाकी हैं तो फाइव फिफ्टी पी एम नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एट फिफ्टी फाइव इन द मॉर्निंग ए एम में लिखना है उसको तो एट फिफ्टी फाइव ए एम सिंपल वॉट टाइम इट इज थ्री आवर बिफोर वन पी एम मतलब एक बज रहा है इसके तीन घंटे पहले कितना बज रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक वन आवर यहाँ से यहाँ तक टू आवर यहाँ से यहाँ तक थ्री आवर्स तो टेन ए एम सिंपल है ना क्योंकि ये पी एम हो रहा है पर पीछे जाएगा तो एम हो जाएगा मॉर्निंग में पहुँच जाएगा इसीलिए ए एम आंसर आएगा आपका फोर आवर्स आफ्टर टेन थर्टी पी एम मतलब ये रात के साढ़े दस बज रहे हैं उसके चार घंटे बाद कितना बजेगा सो so, टेन थर्टी से एलेवन थर्टी तक वन आवर एलेवन थर्टी से ट्वेल्व थर्टी तक टू आवर ट्वेल्व थर्टी से वन थर्टी तक थ्री आवर्स वन थर्टी से टू थर्टी तक फोर आवर्स तो कितना बजेगा टू थर्टी तो टू थर्टी ए एम नाइट में कितना हो जाएगा टू थर्टी ए एम सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सॉरी गुड मॉर्निंग तो हो गई है लेट अस प्रैक्टिस फोर पॉइंट फोर स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें ये है कि अब हमें नंबर ऑफ डेज बताना है हाउ मनी डेज आर देयर बिटवीन ठीक है मार्च नाइनटीन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्च नाइनटीन टू थाउजेंड अलेवन एंड मे ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड अलेवन इनके बीच में कितने डेज होंगे तो इसकी एक बहुत ही आसान है सबसे पहले अपन को ये नाइनटीन है मार्च नाइनटीन से मे ट्वेंटी तक ट्वेंटी सिक्स तक कितने डेज होंगे ये पता करना है तो इसको कैसे पता करते हैं सबसे पहले आपको ये लिखना है कि मार्च हैज़ थर्टी वन डेज हमें पता है मार्च में थर्टी वन डेज होते हैं जनवरी से काउंट करते हैं अपन यहाँ से ऐसे करते हैं like ना जनवरी में थर्टी वन दैन थर्टी फिर उसके बाद थर्टी वन थर्टी थर्टी वन थर्टी थर्टी वन लाइक दिस वी आर काउंटिंग है ना सो जनवरी से थर्टी वन काउंट होता है फिर उसके बाद थर्टी थर्टी वन लाइक दिस ओनली वी आर काउंटिंग सो इन आ मार्च नंबर ऑफ डेज आर थर्टी वन डेज ठीक है आफ्टर नाइनटीन मार्च ठीक है अब वो देखना मार्च से मे तक के डेज काउंट करना है तो अब सबसे पहले फिर उसके बाद लिखेंगे आफ्टर नाइनटीन मार्च मतलब नाइनटीन मार्च के बाद कितने डेज होंगे तो थर्टी वन में से नाइनटीन को माइनस करेंगे तो मतलब ट्वेल्व डेज अभी बचे हुए हैं ना ट्वेल्व डेज ये हो जाएंगे अब उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल तो डेज इन अप्रैल अप्रैल के पूरे डेज काउंट करेंगे क्योंकि बीच में कोई डेट नहीं छोड़ना है अप्रैल के पूरे डेज टोटल कितने हो जाएंगे थर्टी थर्टी डेज है ना अप्रैल में थर्टी डेज हो जाएंगे अब बिफोर मे ट्वेंटी सिक्स मतलब ट्वेंटी सिक्स के पहले कितने डेज रह निकल चुके हैं ना तो इसके लिए ट्रिक होती है कि ट्वेंटी सिक्स में से वन को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव डेज ट्वेंटी सिक्स को काउंट नहीं करना है इसीलिए माइनस वन कर देंगे तो हमें कितने डेज मिलेंगे ट्वेंटी फाइव डेज तो अब टोटल प्लस कर देंगे कि भाई मार्च में कितने डेज निकले? ट्वेल्व अप्रैल में कितने थर्टी एंड मे में कितने होंगे ट्वेंटी सिक्स तक ट्वेंटी फाइव डेज तो हैंस नंबर ऑफ डेज बिटवीन मार्च नाइन्टीन टू मे ट्वेंटी सिक्स मतलब मार्च नाइन्टीन से मे ट्वेंटी सिक्स तक कितने डेज होंगे ट्वेल्व प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव सिक्सटी सेवन डेज तो दैट वॉज यूर आंसर ऐसे पता करना है कि नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू मंथ और थ्री मंथ्स हाउ वी हैव टू फाइंड लाइक दिस ओनली वी हैव टू फाइंड नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड वॉज यूर वर्क आई डेड द थर्ड वन फॉर यू हियर इट इज ऑगस्ट ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड थर्टीन एंड नवम्बर एटीन टू थाउजेंड थर्टीन ओके हेयर द सॉल्यूशन हमें पता है अगस्त में कितने डेज होते हैं थर्टी वन डेज़ होते हैं अब हमें ट्वेंटी फाइव अगस्त से काउंट करना है तो हम क्या माइनस करेंगे आफ्टर ट्वेंटी फाइव अगस्त देयर आर आर थर्टी वन माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव से काउंट करना है तो थर्टी वन ट्वेंटी फाइव माइनस कर देंगे तो कितने डेज बचेंगे सिक्स डेज अगस्त के सिक्स डेज़ हो गए फिर आ जाते हैं हम कहाँ सेप्टेंबर में डेज़ इन सेप्टेंबर थर्टी डेज़ अक्टूबर थर्टी वन डेज़ डेबर एटीन तक जाना सो वी हैव काउंट हैवंबर एटीन नवंबर एटीन तक हमें काउंट करना है सेप्टेम्बर में थर्टी डेज देखो अगस्त में हमने बताया कि अगस्त में थर्टी वन डेज होते हैं तो ट्वेंटी फाइव माइनस कर देंगे सिक्स डेज बतीगा पर हमें नवंबर तक जाना है तो अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर तो सितंबर के भी डेट काउंट नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे थर्टी डेज देन अक्टूबर आता है तो अक्टूबर के डेज भी प्लस होंगे थर्टी वन डेज अब नवंबर एट्टीन तो बिफोर नवंबर एटीन सिंपल एट्टीन काउंट नहीं होगा तो एट्टीन माइनस वन तो सेवेंटीन डेज तो टोटल डेज प्लस कर देंगे हम हैंस द नंबर ऑफ डेज बिटवीन ऑगस्ट ट्वेंटी फाइव टू नवंबर एट्टीन सिक्स प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थेवेंटीन सो यू गॉट द आंसर एट्टी फोर सो दिस वॉज योर आंसर एडिशन करके ना होता क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस वॉज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू अब इसमें ध्यान देना कि इसमें दिया है फैब सिक्सटीन फैब सिक्सटीन से टू थाउजेंड सिक्सटीन बोल रहा है वो तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई कि किसी किसी ईयर में लीप ईयर भी होता है ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं फेबररी में जैसे कभी अभी नॉर्मली जो है अपन ट्वेंटी एट डेज होते हैं लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं फैब में तो कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर होता है तो सबसे बेस्ट है ईयर को 2016 को फोर से डिवाइड करो अगर फोर से डिवाइड हो जाता है डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं कि ये लीप ईयर होगा और इसमें 29 डेज <coughs> होंगे सो वी नो दैट 2016 थाउजेंड सिक्सटीन इज ईयर नंबर ऑफ डेज इन फैब ट्वेंटी नाइन डेज हमें फ़ैब से जून तक जाना है जून टेन तक सो आफ्टर सिक्सटीन फैब है ना ट्वेंटी नाइन माइनस सिक्सटीन करेंगे क्योंकि लीप ईयर है तो फेबररी में जो है ट्वेंटी नाइन डेज़ होते हैं तो ट्वेंटी नाइन माइनस सिक्सटीन कितना बचेगा थर्टीन डेज तो सिक्सटीन से ट्वेंटी नाइन तक थर्टीन डेज होंगे ठीक है वो भी काउंट हो अब फेब के बाद आता है मार्च वीनो मार्च में थर्टी वन डेज होते हैं देन अप्रैल अप्रैल में थर्टी डेज होते हैं देन मे मई में थर्टी वन डेज होते हैं अब जून जून टेन के पहले मतलब टेन माइनस वन हमेशा लास्ट का जो फाइंड करना है वो माइनस वन होगा याद रखना टेन माइनस वन यू गॉट नाइन सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा फेब सिक्सटीन से लेकर जून टेन तक सभी को प्लस कर देंगे थर्टीन थर्टी वन थर्टी थर्टी वन प्लस नाइन इन सभी को प्लस किया यू गॉट द आंसर वन हंड्रेड एंड फोर्टीन डेज दैट वॉज योर आंसर होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर इफ यू डेंट अंडरस्टूड यू मस्ट लर्न द चार्ट विच आई एक्सप्लेन यू बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज देन ओनली यू मे एबल टू डू द सम्स इजली ओके इट इज़ वेरी इजी चैप्टर यू मस्ट स्टडी एंड कंप्लीट इन यूर कॉपी ओके थैंक यू